मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को फेक न्यूज पर लगाम कसने के लिए एक संशोधित गाइडलाइन जारी की। इसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, हैरानी की बात है जो मंत्री फेक न्यूज वेबसाइट के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वही फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए सर्कुलर जारी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई संशोधित गाइडलाइन की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, फेक डिग्री वाली एक मंत्री ने पिछले हफ्ते ही फेक न्यूज वेबसाइट के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी मंत्री ने ये सर्कुलर जारी किया है। इस पर तो विडम्बना की भी दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज फैलाने वाली ऑनलाइन साइट्स के बारे में कुछ भी नोटिस नहीं किया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज वेबसाइट का हवाला देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल जब केंद्र में कानून मंत्री थे तब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी से करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी। गौरतलब है कि सोमवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अगर कोई पत्रकार फर्जी खबरें करता हुआ या उनका दुरुपयोग करते हुए पाया गया तो उसकी मान्यता स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि पहली बार फेक न्यूज के प्रकाशन और प्रसारण की पुष्टि होने पर पत्रकार की मान्यता 6 महीने के लिए निलंबित कर दी जाएगी। दूसरी बार ऐसा होने पर यह कार्रवाई 1 साल के लिए होगी, लेकिन तीसरी गलती पर मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा, प्रिंट मीडिया से संबंधित फेक न्यूज की शिकायत को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित शिकायतों को न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी NPA को भेजा जाएगा। हालांकि बाद में PMO ने मामले में दखल देते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय से कहा कि फेक न्यूज को लेकर जारी की गई प्रेस रिलीज को वापस लिया जाना चाहिए। SBN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।